मेरू स्थित रहड़ा डैम में डूबने से 3 नाबालिग की मौत, क्षेत्र में छाया दुख का माहौल। हजारीबाग मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रहड़ा डैम में रविवार को डूबने से 3 नाबालिग बच्चों की मौत हो गई है। इधर घटना के बाद परिजनों का बुरा हाल है, क्योंकि एक साथ 3 जिंदगियां खत्म हो गई। घटना रविवार शाम की बताई जा रही है, जब 12 से 14 वर्ष की उम्र के 5 बच्चे घर से खेलने की बात कहकर एक साथ गए थे, लेकिन एक घंटे के बाद 2 बच्चा दौड़ता हुआ घर आया और उसने बताया कि उसके 3 साथी पानी में डूब गए। घटना की जानकारी लगते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और परिजन तत्काल जलाशय के पास पहुंचे और पुलिस को भी सूचित किया। स्थानीय ग्रामीण और परिजनों ने जलाशय से 2 बच्चों के शवों को बाहर निकाला, वहीं काफी मशक्कत के बाद 3रे बच्चे के शव को भी निकाला गया। घटना के बाद संबंध में बताया जाता है कि 5 नाबालिग साथी घर से खेलने की बात कहकर गए थे। इसी क्रम में वे डैम के पास पहुंचे और वहां नहाने का मन बनाया, जिसमें 3 लोग डूबने लगे। इन 3 को डूबता देख अन्य 2 साथियों ने उनको बचाने के लिए उक्त स्थल पर खेतों में रोपनी लगा रहे लोगों को मदद के लिए आवाज दी, जिसके बाद अन्य लोगों को इस घटना के बारे में जानकारी हुई। वहीं बीएसएफ मेरू कैंप से रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कार्य में जुटी थी। मेरू के पास एक दोभानुमा छोटा सा डैम के रूप में है, उसी में जानकारी मिली कि 3 बच्चे जो हैं नहाने के दौरान डूब गए हैं। 3ों को, 3 में 2 को सदर हॉस्पिटल में और 1 को आरोग्यम एम्बुलेंस से भेजा गया। इसमें अभी डॉक्टर के द्वारा 3ों को डेथ हो जाने की पुष्टि किया गया है। आगे की जो कार्रवाई है और जो भी इसमें आपदा के तहत सरकार की जो मुआवजा देने की जो प्रावधान है वो नियमानुसार दिया जाएगा। वो अभी करीब 4 बजे पता चला कि मेरू के रहड़ा डैम में 3 बच्चे डूब गए हैं। आए तो देखे कि एक बच्चा निकला, फिर एक बच्चा को निकाला गया, बिल्कुल डेड हो गया था और ये तो बहुत ही दुखद घटना है। यहाँ पे 3 बच्चा नहाने के लिए आया हुआ था, 4 बच्चा आया हुआ था जिसमें 3 बच्चा नहाने के लिए एक साथ डूबा, तो थोड़ी देर के बाद नहीं निकला, तो चौथा बच्चा देखा कि नहीं निकला, तो जाके उधर जो रोप रहा था उधर मोटरसाइकिल वगैरह लगा हुआ था, जाके फिर जाके वहाँ पे बुलाया, गाड़ी वाले लोग को बुलाया, फिर वो लोग आया, फिर देखा और गाँव वाले तब तक भी जमा हो गए और गाँव वाले लोग के प्रयासरत से 2 बॉडी को निकाला गया। तीसरा बॉडी के लिए अभी NDRF का टीम आया हुआ है BSF से। 3 बच्चे आए थे नहाने, उसके साथ एक और बच्चा आया था, तो बच्चे नहा रहे थे तो 3 बच्चे डूब गए पानी के अंदर, तो चौथा बच्चा है जो वो कि हल्ला किया, तब जाके भीड़ जमा हुआ और भीड़ जमा हुआ तो सारे आदमी आए यहाँ पे, उसके बाद बच्चे को निकाला गया।